दोस्तों, हम आपकी तितली। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने टीवीपुर की ढेर सारी चुगलियां लेकर। आज अनुपमा के मोहल्ले में डिंपी नंदिता को जड़ने वाली है थप्पड़, तो अभीरा भी दुल्हन बनकर हो गई है तैयार, लेकिन अरमान होने वाला है गायब। जबकि आज रजत करने वाला है अमन की मैच मेकिंग, जिससे सभी को होने वाली है दिक्कत। अब ये तो थी आज की चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी। अब चुगलियों का पूरा मजा लेने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अनुपमा के मोहल्ले में, जहां आशा परिवार वाले जहां आशा भवन में काम में हाथ बटा रहे हैं, तो वहीं डॉली और डिंपी के नखरे ही कम नहीं हो रहे। उधर पाखी और तोशु ने वनराज के क्रेडिट कार्ड की बदौलत होटल में चेक इन कर लिया है। अब आज आप देखेंगे कि नंदिता का पैर फिसल जाएगा, जिसके बाद टीटू उसे गिरने से बचाएगा, जिसके बाद नंदिता को डिंपी आकर थप्पड़ मार देगी और उस पर टीटू पर डोरे डालने का आरोप भी लगाएगी। इसके बाद वो नंदिता के चरित्र को लेकर उसे खूब खड़ी खोटी सुनाएगी, जिसे सुनकर अनुपमा एकदम आग बबूला हो जाएगी और डिंपी को एक जोरदार तमाचा लगाएगी और कहेगी कि तुम्हारी सोच ही घटिया है, मुझे टीटू और नंदिता दोनों पर पूरा भरोसा है। इस पर डिंपी अनुपमा पर अपने सगे बच्चों को छोड़कर दूसरों पर भरोसा करने का आरोप लगा देगी, उसे खूब सुनाएगी। उधर तोशु और पाखी होटल में ऐश कर रहे हैं, बिना ये जाने कि वनराज का क्रेडिट कार्ड ब्लॉक है। अब ऐसे में होटल वाले उनसे पैसे मांगने आएंगे। दोनों ही एटीट्यूड में पैसे भरने की बात तो कह देंगे, लेकिन जल्दी उन्हें रियलाइज होगा कि कार्ड ब्लॉक है। अब इसके बाद तोशु और पाखी वहां से भागने की योजना बनाएंगे, लेकिन अनुपमा भी इसी होटल में अचार और पापड़ की डिलीवरी करने आई है और वो तोशु और पाखी को पकड़वा देगी। इसके बाद तोशु और पाखी को बिना भरने के एवज में इस होटल में काम करने को कहा जाएगा। अब आगे और क्या क्या ड्रामा होगा, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं। पहले अरमान और अभीरा की शादी नहीं होने वाली थी, लेकिन अब अरमान ने फैसला कर लिया है कि वो किसी भी परिस्थिति में अभीरा से शादी करके ही दम लेगा। लेकिन शादी को रोकने के लिए सिर्फ रूही ने ही नहीं बल्कि विद्या ने भी जाल बिछा दिया है, लेकिन अभीरा को अरमान पर पूरा भरोसा है और वो उससे शादी करेगी। लेकिन आने वाले एपिसोड में अरमान खुद मंडप से गायब होने वाला है और वो भी रूही की वजह से। तो चलिए जानते हैं क्या है आज के एपिसोड में खास। आज ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अरमान घर में सबको बता चुका है कि वो अभीरा से आज ही शादी करेगा। हालांकि इस फैसले से तादिसा और विद्या बिल्कुल खुश नहीं है, जबकि बाकी सभी लोग अरमान को दूल्हा बनाने में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ अभीरा अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। मनीष और अभीरा को समझाता है कि अरमान की आंखों में उसने सच्चा प्यार देखा है और वो अकेला ही परिवार से लड़ने को तैयार है, जबकि तुझे उसका साथ देना चाहिए। वो बताता है कि उसने अपने कई बच्चों को खोया है, लेकिन इसके बाद भी वो और स्वर्णा साथ हैं। जिसके बाद अभीरा को विद्या मिलने के लिए मंदिर बुलाती है। विद्या सबसे पहले अभीरा को जबरदस्ती कड़ा पहनाने की कोशिश करती है, जिससे अभीरा को दर्द होता है। वो कहती है कि इससे ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा है, अगर तुम अरमान से प्यार करती हो और उसकी खुशी चाहती हो तो शादी से पीछे हट जाओ। वो आगे कहती है कि ये शादी हो गई तो तुम दोनों कभी खुश नहीं रह पाओगे। वहीं दूसरी तरफ अरमान दूल्हे की तरह तैयार होने लगा है और बाकी सभी उसकी मदद करते हैं। रूही ने भी ठान लिया है कि इस बार वो अरमान से शादी करके ही दम लेगी। वहीं मनीष अभीरा को अक्षरा का लहंगा देता है। अभीरा तैयार होकर बहुत खूबसूरत लग रही है। मनीष ही अभीरा को अरमान के पास ले जाने वाला है, लेकिन मंडप से अरमान तो गायब है और रूही के साथ है। वहीं गुम है किसी के प्यार में आज मृन्मयी सभी को बताएगी कि अमन ने उसे प्रपोज किया है और उसने भी उसे हाँ कह दिया है। जबकि उधर रजत ने अपने क्लाइंट की बहन आशना के साथ अमन की मैच मेकिंग कर दी है। उसने अमन और आशना के रिश्ते को मंजूरी दे दी। हालांकि इससे सभी नाखुश है और वो रजत से कहती है कि वो एक बार अमन से इस बारे में पूछ ले, लेकिन रजत का कहना है कि वो अमन के लिए कोई भी फैसला लेगा तो वो उसे मंजूर ही होगा। उधर अर्श और आशका का भी दोबारा पैचअप हो गया है। अब आगे आप देखेंगे कि सभी और रजत के बीच नए एहसास डेवलप हो रहे हैं, जहां रजत सभी से अब माफी मांगने वाला है और अब इनके प्यार की गाड़ी कब पटरी पर आएगी ये तो अपकमिंग ट्रैक में ही पता चलेगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ ही कल मिलते हैं इसी वक्त कुछ और नई चुगलियों के साथ। तब तक के लिए राखी।